ये देख रहे हैं MNS न्यूज़ पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। गोंदिया जिला परिषद अध्यक्ष समेत सभापतियों से इस्तीफे की मांग, चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने का है आरोप। विधानसभा चुनाव के बाद जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा में राजनीतिक घटनाक्रम के चलते कांग्रेस की जिला परिषद अध्यक्ष सहित सभापतियों पर पार्टी विरोधी कार्य करने से उन्हें निलंबित किया गया है, जिससे नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफे देने की मांग की गई। इसे लेकर सभा में विस्तृत चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के वक्त पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल सहित जिला परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी व एक सभापति, तीन जिला परिषद सदस्य ने भाजपा में प्रवेश कर लिया था। इसी तरह विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष, सभापति व जिला परिषद सदस्य को निलंबित किया। उस कारण नैतिकता के नाते उन सभी ने इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी मांग PG कटरे ने की। गोपाल दास अग्रवाल ने विधायक व पार्टी सक्रियता सदस्यता से इस्तीफा प्रस्तुत किया था। ठीक उसी तरह कांग्रेस विरोधी काम करने वाले पदाधिकारियों को भी इस्तीफा देना चाहिए। आधुनिक होगा GMC, इमारत निर्माण पर खर्च होंगे 250 करोड़। गोंदिया में बदहाली को लेकर सुर्खियों पर रहने वाले शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवा जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। यहां अत्याधुनिक यंत्रणा के लिए 11 करोड़ व इमारत निर्माण के लिए 250 करोड़ की निधि प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य सेवा के लिए आवश्यक 11 करोड़ की मशीनरी की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हुई है, जल्द ही मरीजों की सेवा में उपलब्ध होंगी। चिकित्सकों का अभाव, संपूर्ण जिले की स्वास्थ्य सेवा जिस पर निर्भर है, वही KTS जिला अस्पताल रिक्त पदों से सबसे ज्यादा प्रभावित है। 47 चिकित्सकों की जरूरत होने के बावजूद सिर्फ 8 चिकित्सक उपलब्ध है, जिससे स्वास्थ्य सेवा पर सवाल या निशान उठने लगे हैं। कुछ दिनों के पूर्व ही चिकित्सकों के अभाव में बाई गंगाबाई महिला अस्पताल में लगभग 5 दिनों तक प्रसूति बंद रहने से हड़कंप मचा था। KTS के रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने की दिशा में प्रशासन व जनप्रतिनिधि प्राथमिकता से ध्यान देने की मांग की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।